दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जो मतलब अपनी लाइफ में बहुत टूट गए और उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ दिनेश कार्तिक के बारे में, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2004 में। वो इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे एज अ विकेट कीपर, तो क्रिकेटर वो बन गए थे। उसके बाद जो है उनकी एक फैमिली फ्रेंड थी निकिता, जो मतलब उनके पापा जो थे दोस्त थे निकिता के पापा और दिनेश कार्तिक के पापा, तो वो दोनों वेट कर रहे थे कि मतलब निकिता और दिनेश कार्तिक बड़े होंगे कि उनकी शादी कराई जाएगी। तो 2007 में उनकी शादी कराई गई। उसके बाद सब कुछ सॉर्टेड था कि चलो भाई अब तो ठीक है, बिल्कुल तुम्हें शादी वादी हो गई, दिनेश कार्तिक को ध्यान देना फिर क्रिकेट करियर पर, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2012 में क्या हुआ कि जैसे कि आईपीएल की पार्टी होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो निकिता है, निकिता वैसे मतलब कास्टिंग डायरेक्टर थी तो काफ़ी मतलब वो वेल एस्टेब्लिश थी वो भी, तो मतलब कि एक क्रिकेटर थे मुरली विजय, तो उसमें क्या हुआ उनका मतलब उनसे बातचीत बहुत बढ़ गया और धीरे धीरे मतलब दोनों को आपस में प्यार हो गया। अब सोचिए कि जो दिनेश कार्तिक हैं उन्होंने मतलब देखा भी कई बार होगा कि मतलब मुरली विजय और निकिता जो आपस में बात बात कर रहे हैं, बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, सोचा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों अफेयर ही कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो निकिता हैं और मुरली विजय हैं दोनों काफ़ी आपस में मिलने लग गए। क्या हुआ कि जो निकिता हैं वो मुरली विजय से प्रेग्नेंट हो गई। अब आप सोचिए ऐसी कंडीशन में एक पति मतलब क्या करेगा, जैसे कि दिनेश कार्तिक हैं तो वो चाहते तो मतलब कुछ हल्ला बुल्ला करते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधा जो है निकिता को मतलब तलाक दे दिया। और मतलब और निकिता ने भी जब तलाक लेते ही मुरली विजय शादी कर ली, उनके बाद उनका एक बच्चा भी हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुरली विजय और जो निकिता की लाइफ उनकी लाइफ जो है वो तो सेट हो गई, लेकिन इस तरफ दिनेश कार्तिक जो है पूरा टूट गए थे। उन्होंने अपना जो ट्रेनिंग है सब कुछ बंद कर दिया, मतलब सोचा कि अब क्या लाइफ में बचाई है, ट्रेनिंग बंद, प्रैक्टिस बंद, क्रिकेट करियर मतलब ख़त्म हो रहा था बिल्कुल भी। लेकिन जो उनके ट्रेनर थे दिनेश कार्तिक के, उन्होंने सोचा कि नहीं इनको अभी और मतलब करना चाहिए, उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करी। उसके बाद दिनेश कार्तिक की मुलाकात हुई दीपिका पल्लिकल से, जो कि एक स्क्वॉश प्लेयर थी, और दोनों में मतलब प्यार हुआ। उसके बाद 2015 में दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जो है मतलब उनका धीरे धीरे लाइफ सही हो गया। फिर आप जानते ही हैं कि दिनेश कार्तिक जो है मतलब क्रिकेट में भी उनका मतलब इम्प्रूवमेंट आया है। वहाँ पर मुरली विजय और निकिता की लाइफ तो ऑलरेडी सॉर्ट ही हो चुकी थी, तो मुरली विजय और निकिता की जो है टोटल 3 बच्चे हुए और दिनेश कार्तिक और दीपिका के जो है ट्विंस बच्चे हुए, तो अब दोनों की लाइफ सॉर्टेड थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दिनेश कार्तिक और मुरली विजय जो है साथ में रणजी खेले हुए थे, काफ़ी सारे मैचेस खेले हुए थे, दोस्त थे काफ़ी अच्छे, लेकिन अब दोस्ती ख़त्म हो गई बिल्कुल। उसके बाद ऐसा कंडीशन हुआ, उसके बाद एक बार क्या हुआ 2018 में दोनों इंडिया की टीम की तरफ से खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, और दोनों सेम टीम में खेल रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में एकदम बात नहीं हुई। मतलब ये अब कभी बात पॉसिबल हो भी सकती नहीं है, लेकिन आप सोचिए मतलब दोनों इंडियन टीम क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि दोनों आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। तो मतलब ये कहानी है दिनेश कार्तिक की, जो मतलब अपनी लाइफ में पीक पे जाके फिर डूबे, ख़त्म से हो गए थे, और उसके बाद जो है हम सब के लिए एक मोटिवेशन बने कि अगर आप कभी सोचते हैं कि आप ख़त्म हो चुके हैं तो नहीं, लाइफ अभी ख़त्म नहीं होती, लाइफ हमेशा चलती रहती है। तो ये एक काफ़ी मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। तो आप लोग क्या इस कहानी को जानते थे तो प्लीज़ बताइए कमेंट में, और ऐसी कहानी आप लोगों के लाते रहता हूँ जो मोटिवेशन देती है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरह की और कहानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।